रोटी अट्टी नाश्ता करने के लिए, मतलब पूरी छोले खाए हमने। तो कई हम लोग निकल चुके हैं होटल से टू जम्मू। क्या बात है, गुड मॉर्निंग। एंड आज का दूसरा दिन है हमारे जम्मू में और आज ही हमारी वापसी है, मतलब आज हमारी ट्रेन है मुंबई के लिए। तो सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे चाय पीने के लिए। तो चाय पीते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं और एक 10 बजे के करीब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से जम्मू तवी स्टेशन जाने के लिए 20 से 25 मिनट लगने चाहिए। हम यहाँ से एक इलेक्ट्रिक रिक्शा करने वाले हैं जम्मू तवी स्टेशन जाने के लिए। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे चाय पीता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस, हमने बराबर पहचाना। हम गए थे जानी दी हट्टी नाश्ता करने के लिए, मतलब पूरी छोले खाए हमने। और ये जगह मेरे होटल से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, तो नज़दीक नहीं है, लेकिन हमने भी एक चूल है ना कि स्वाद के लिए हम 1.5-2 किलोमीटर भी जा सकते हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगे, गाय को सुधरे। तो अभी मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी में, मुझे अभी पराठे भी उठाने। तो जानी दी हट्टी में पराठे नहीं मिलते, तो आगे जो जहाँ से हमने कल पकौड़े खाए थे ना, वहाँ से हम 2 पराठे लेंगे ट्रेन में खाने के लिए दोपहर का खाना, और फिर वहाँ से सीधा रूम पे। तो गाइस, हम फिर से पहुँच चुके हैं काला शाह पकौड़े वाले, इनसे हम पराठे ले लेने वाले हैं ट्रेन में खाने के लिए। सो दो आलू प्याज के पराठे, दो पार्सल चाहिए ट्रेन में जाने खाने। मैं ये अमृतसर से कुछ ये मिठाई ले रहा हूँ। 2000 years later गाइस, हम लोग निकल चुके हैं होटल से टू जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अभी इलेक्ट्रिक रिक्शा में हूँ। यहाँ से ज़्यादा नहीं 25 मिनट लगने चाहिए हमको। वैसे तो ट्रेन 10:30 की है, 10:30 मतलब सॉरी 11:30 की है। तो चलो मिलते हैं फिर स्टेशन पे आपसे। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे और आप देख सकते हो सामान यहाँ पे खुली भी नहीं मिला। और जम्मू स्टेशन से अंदर आने के लिए काफ़ी दूर है, तो मुझे कैसे कैसे मैं ले आया, मतलब हालत ख़राब हो गई। खुली थे लेकिन पता नहीं किसी ने पूछा भी नहीं। और चलो अभी थोड़ी देर में हमारी अभी ट्रेन आएगी, 11:30 को ट्रेन आने वाली, 10 मिनट में ट्रेन आएगी। तो ट्रेन में बैठते हैं पहले, बाद में आपसे बात करते हैं। क्या बात है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सो गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरी वैष्णो देवी की जो ट्रिप हुई उसका क्लोजिंग नहीं दिया। तो मैंने क्लोजिंग नहीं दिया इसीलिए ये मैं क्लोजिंग दे रहा हूँ। आप अगर देखोगे तो ये ट्रिप मेरी बहुत अच्छी रही। फैक्ट जो ट्रेन में हमने जो मजा किया, जो मेरे साथ मुझे दोस्त मिले कुछ, तो वो मिले उनके साथ, मैं भी उनकी तरह उनके उम्र का हो गया और हमने बहुत इंजॉय किया। तो इट वॉज अ वेरी वंडरफुल ट्रिप। इसका वीडियो मैं ज्यादा बना नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला था और मेरे पास इतना सामान था कि उसको या तो मैं वीडियो निकालूं या तो फिर मेरा सामान संभालूं। तो गाइस, आपने मुझे वैष्णो वाली सीरीज के लिए भी बहुत सपोर्ट किया है, मतलब काफी सारे व्यूज आए हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मेनी व्यूज, बट थैंक यू वेरी मच अगेन। और हमेशा मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको और ढेर सारे वीडियो लाऊं अलग अलग जगह के और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो वैष्णो देवी वाला जो बुकिंग है, मतलब चॉपर बुकिंग है, आपका पर्ची है, इलेक्ट्रिक कार जो बुकिंग है, उसका मैं आपको है ना एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ विद दी वेबसाइट्स, मतलब कहाँ से आप जाके रजिस्टर करना कैसे कर सकते हो, आप रूम कैसे बुक कर सकते हो, आप डॉर्मेट्री कैसे बुक कर सकते हो, आप रिक्शा कैसे बुक कर सकते हो, आप चॉपर कैसे बुक कर सकते हो, और आप भैरव वाली जो केबल कार है वो कैसे बुक कर सकते हो। तो इसका भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, लेकिन आप आपका सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट कीजिए जय माता दी, और लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय माता दी।
गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।